हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत करता हूँ करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूँगा कि अगर आपकी गूगल पे में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम से कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत सारे भाई को ऐसा तकलीफ झेलना पड़ रहा है, जो किसी को बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो बार बार यही प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं हर ऐप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना गूगल पे को ओपन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं, मैं यहाँ से गूगल पे ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आप किसी को बैंक में, मान लेते हैं आप किसी को बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं, तो बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं बैंक ट्रांसफर। तो बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट वाला अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ से दूसरा इसी सेम अकाउंट नंबर इसमें डाल देना, उसके बाद एफएससी कोड क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करके उसके बाद पैसा आप डाल दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो देख सकते हैं मैं एक आईडी था जो कि मैं इसको पैसा काफ़ी भेज रहा था लेकिन ये पैसा जा ही नहीं रहा था। देख सकते हैं काफ़ी सारे फंड है लेकिन बट यहाँ से नहीं जा रहा है और फोन पे से जा रहा है। तो आपको रीज़न मैं इसका बता देना चाहता हूँ, इसका प्रॉब्लम क्यों आता है। सबसे पहले मैं देख सकता हूँ यहाँ से मैं एक रुपया और पे कर देता हूँ, ठीक है। तो एक रुपया नहीं, मैं 100 रुपया पे कर देता हूँ। तो मैं 100 रुपया पे कर दिया, उसके बाद मैं अपना पिन एंटर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं पिन एंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको कैसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, तो देख सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं लर्न विट इज वाज है डिसकैंसल, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम दिया है, आप प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। ऐसे पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से पढ़ना चाहते आप अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं इस तरह से प्रॉब्लम है। तो आपको कोई भी समस्या है, कोई भी इसमें कोई परेशानी हो रहा है तो यहाँ से देख आपको मिल जाएगा यहाँ से संपर्क ऑप्शन। गूगल टीम को यहाँ से संपर्क करना है, गूगल टीम को संपर्क करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया माय बैंक अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी यहाँ से पेमेंट में इशू प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ए वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ए वाले सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं कर लेता हूँ इसको नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इसके समय कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप इससे आप गूगल टीम से बात करना चाहते हैं चैट करके, तो उसके बाद यहाँ से देखते हैं चैट 10 मिनट वेट, आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी गूगल टीम बात करेगा। यहाँ से गूगल पे को आपको बात करने के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट आपको टाइम होना चाहिए। कि मैं चैट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो चैट पे क्लिक करने के बाद अपना इसमें क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे, फिर से जो भी है सबमिट करके अपना फिर से गूगल टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे इस वीडियो को कमेंट में कमेंट करिएगा और आप सभी का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।